मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जेई एएस की मंडलीय टास्क फोर्स एवं यूनिसेफ के चाइल्ड सेंटरिंग प्रोग्राम की बैठक के दौरान निर्देश दिया कि मंडल के प्रत्येक ईटीसी केंद्र की सोमवार तक जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 दिनों के अंदर जेई एएस के बचाव के संबंध में अपनी कार्य योजना अपर निदेशक स्वास्थ्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जेई एएस के बचाव के लिए जागरूकता अभियान में आशा एवं एएनएम की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि एएस रोगियों को एटीसी में ले जाने में आशा की सहभागिता अधिक से अधिक तथा फीवर हेल्थ डेस्क की स्थापना स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जनपद चिकित्सालय पर की जाए। मंडलायुक्त विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर आशा एएनएम एवं जिलाधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर अंकन के लिए ब्लॉक स्तर पर सूचित शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने एएसवी एआरवी और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीआईसीयू विस्तारीकरण एवं मिनी पीआईसीयू के निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए एएस के बचाव के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग बैनर एलईडी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने जेई एएस के बचाव के लिए चलने वाले दस्तक अभियान सीजन 2 के माइक्रो प्लानिंग एवं बैठकों के बारे में जानकारी लेते हुए दस्तक अभियान सीजन 2 हेतु प्रशिक्षण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया कि आगामी 2 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण माह मनाया जाएगा, जिसमें दस्तक अभियान की शुरुआत होगी। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया, आज जिला टास्क फोर्स की मंडली टास्क फोर्स की बैठक थी और इसमें चारों जिलों के सीएमओ और सीएमएस एडी मेडिकल हेल्थ और जो ऐसे हमारे स्वास्थ्य संबंधित विभाग है जिनका सहयोग अपेक्षित है वो उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारा जुलाई महीने में 2 जुलाई से हमारा विशेष संचारी पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है और 16 जुलाई से दस्तक अभियान फेज 2 चलेगा, उसके बारे में मीटिंग हुई थी। तो विभागों से कहा गया कि वो अपनी डिटेल कार्य योजना बनाएं और जो हमारे अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनकी ट्रेनिंग भी कराएं और 16 तारीख से जो दस्तक अभियान चलना है दोबारा, उसके लिए विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो अभियान आशा एएनएम बड़े तन्मयता से चलाए और ख़ास तौर पे जो पैम्फलेट लगाते हैं उसके साथ साथ परिवारों के जो सदस्य हैं उनको बताए दें इंसेफ्लाइटिस के बारे में, क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में बताएं। और जो हमारे और विभाग हैं जैसे हमारे मत्स्य विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, वो भी इस अभियान में अपना सहयोग दे, ये उनको निर्देश दें।